उर्दू खराब होगी, सच में मेरी उर्दू बहुत खराब होगी। मेरे घर वाले कहते हैं तुम कैसे बात करती हो, तुम्हारी उर्दू बहुत खराब है। मेरी उर्दू खराब है, आई नो। अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू। आमीन। सेम टू यू। अल्लाह आपको भी खुश रखे हमेशा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप बताइए। लाइफ इज़ अ जर्नी। वेलकम कांचा। थैंक यू। टिकटॉक स्टार। थैंक यू। गाना नहीं गाना पड़ेगा मुझे। हाँ अरे मुझसे बोला नहीं जा रहा है, मैं क्या करूँ गाना मैं नहीं तो गाना सुनाती आप लोगों को नॉक नॉक। हेलो। अकेले अकेले कॉफी। हाँ चाइनीज कॉफी। हाँ मुस्तंग आलू। हाँ संगीत का असर है, उर्दू खराब होनी ही थी। हाँ उर्दू मेरी बहुत खराब हो गई है, मेरे घर वाले कहते। और ट्रस्ट में मुझे इतना तेज बुखार था दैट मुझसे बोला नहीं जा रहा था, तो मेरे घर वाले ना मेरा ना बीपी चेक कर रहे, और मैं ना उनसे उनसे ना नेपाली में बात की जा रही ना। वो कहते तुम्हें पता है जब तुम्हें बुखार था तो तुम ना नेपाली में शुरू हुई थी और इतनी गंदी उर्दू बोल रही थी ना। मैंने कहा है अच्छा मुझे नहीं पता मैंने कहा हाँ वो हिंदी है, वो हिंदी है, हिंदी खराब है मेरी, बहुत हिंदी खराब है। कहते हाँ वो तुम लाइव बैठ बैठ के ना पागल हो गई हो इस वजह से आज बहुत। ओ थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर सिस्टर। आर यू ओके? आई एम गुड। बस आवाज़ को इग्नोर करें, नहीं तो मैं आप लोगों को गाना सुनाती, बस मेरी आवाज़ ख़राब है। क्या करें क्या करें, हम आज आप लोगों को गाना नहीं सुना सकती। वेयर इज मस्तंग आलू? टमाटर को चटनी टमाटर को चटनी गायब है यहाँ से इसलिए अच्छा जी अजाहिद ब्रदर थैंक यू सो मच। किस चीज़ की डॉक्टर है? मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, MBBS कर रही हूँ अभी। देखो एक और बात भी करूँगी आप लोगों से हाँ आज थोड़ी ज़रूरी बात करूँगी, अच्छी बात करूँगी। मेरा आना इतना ज़रूरी नहीं था लेकिन बात बात ज़रूरी थी इसलिए आ गई। देखो मैंने चेंज भी नहीं किया, मैं ऐसे आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू एवरी वन। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। हेलो नमस्कार। ओ वाओ है अरे मैं बहुत डर लग रही हूँ, आई नो। हाँ थोड़ा क्लास ले रहा। क्या क्या क्या? हाय सिस्टर हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन क्लास ले रहा था, लेट हो गया। ओ ब्लैक हार्ट, मैं अभी अभी आई हूँ, मैं अभी अभी आई हूँ, बिल्कुल अभी। सो बात क्या थी, बाद में आप लोगों को बताती हूँ यार, थोड़ा समझने वाली है अगर आप लोग समझें तो। ठीक है ठीक है ठीक है। सॉन्ग कब आ रहा है? सॉन्ग अभी मुझे आइडिया नहीं है कब आ रहा है, मैं आप लोगों को बता दूंगी कब आ रहा है। अगर मुझे पता चला तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, मेरी बात नहीं हुई है गरीबी उनको जवाब क्यों दे रहे हैं? देखो कुत्ता आप पे भौंकता है तो आप कुत्ते पे भौंकते हो, कभी आप भौंके हो कुत्ते पे? नहीं भौंके ना, तो फिर ऐसे करने की क्या जरूरत है? अगर कुत्ता आपको काट लेता है तो आपने एक अच्छी जगह पे जाके अपना इलाज करवाना है, ना कि कुत्ते को काट लेने। देखो कितना अजीब लगेगा कि आपको कुत्ते ने काटे, आपने उसको जवाब में काट लिया, कितना गंदा लगेगा। ठीक है तो ऐसा ऐसा मत कीजिए, जो भी कर रहा है ये मत करें। जो बोल रहे हैं, जो गलत बोल रहे हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ दे। नहीं फर्क पड़ता अगर वो हमें नहीं पसंद करते, उनसे भी रिक्वेस्ट है आप हमें मत देखें। ठीक है आपको हम पसंद नहीं, आप हमें देखे मत, आप हमारे बारे में बात मत करें। ठीक है एंड मैं देख रही हूँ दैट किंग के बारे में बहुत नेगेटिविटी आ रही है, बहुत नेगेटिविटी आ रही है। आप लोगों को ऐसे करके क्या मिल रहा है? हाँ आप लोगों को ऐसे करके क्या मिल रहा है? आप लोगों को कोई फ़ायदा हो रहा है? आप लोगों के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, और अगर बढ़ भी रहे हैं तो ये परमानेंट नहीं है। ठीक है आप लोगों को एक दिन के लिए हॉट टॉपिक मिल गया है, आप उसके बारे में बात कर रहे हो, आपको लोग कह रहे हैं हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप बहुत गलत और बहुत घटिया काम कर रहे हो। आप किसी के भी बारे में गंदी बात करते हो और आपको लगता है आप बहुत कूल बन रहे हो, नहीं आप बहुत ही घटिया लग रहे हो, बहुत घटिया लग रहे हो ऐसी गंदी हरकतें करके। आप अगर किसी की बेटी के बारे में बात करते हो, किसी के बेटे के बारे में बात करते हो, कल को आपके ऊपर भी बात होगी, आपके भी बच्चे होंगे, आपके बच्चों पे भी बात होगी। सो ये गंदी हरकतें करना छोड़ दीजिए। जो हेट करना है,
जो करना है अपने दिल में कीजिए, मत देखिए। आप ऐसे समझिए कि हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते, आप अपनी दुनिया में खुश रहे, हमें हमारी दुनिया में खुश रहने दीजिए, ठीक है। और अभी मैंने अगर कोई भी हेट पोस्ट देखी किंग के बारे में, तो मैं डायरेक्ट टिकटॉक ऑफिस में रिपोर्ट करूंगी और आपको उसके लिए जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है। आपको उसके लिए फाइन भी हो सकता है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपका आईडी पता करवाना या आपका एड्रेस पता करवाना या आप वीपीएन लगा के भी चला रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो टिकटॉक का ऑफिस है उनको सब कुछ पता है कि कौन कहाँ बैठा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मैंने रिपोर्ट की तो आप लोगों को फाइन भी होगा, उसके लिए भी तैयार रहिए, ठीक है। और आप लोगों के ऊपर कोई केस भी हो सकता है। सो सुकून से रहो और औकात में रहो, ओके। अगर उसके बारे में दोबारा कोई बकवास की तो फिर बहुत बुरा होगा, ओके। या मुझे ये बोलना था, बाकी करते रहो, जो मर्जी करते रहो, जो मर्जी करते रहो, उसके बारे में कोई बकवास की तो फिर आप लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। सैम थैंक यू ब्रदर, थैंक यू एवरी वन। या मुझे यही बोलना था, ठीक है। उसके बारे में कोई बकवास करोगे तो उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होगे। बाद में मत बोलना दैट इन्होंने हमें बताया नहीं, इन्होंने हमारे साथ गलत कर दिया, इन्होंने हमारे साथ ये नहीं विजय नहीं, इन्होंने हमारे साथ ये कर दिया, इन्होंने हमारे साथ ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अभी मेरे बारे में जो मर्जी भोगते रहो, मुझे मेरी जूती को भी फर्क नहीं पड़ता है, सच में, ठीक है। मेरी जूती को भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे बारे में जो मर्जी भोगते रहो, ठीक है। मैं सोशल मीडिया पे 7 सालों से हूँ और मैं ये सब देख रही हूँ, मैं शुरू से देख रही हूँ। बहुत ऐसे कुत्ते आते हैं, भोंकते हैं, चले जाते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसे बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं, बहुत देखे, ट्रस्ट मी। ये जो लोग नए नए आए हैं इनको फर्क पड़ता होगा, मैंने ऐसे बहुत देखे हैं, ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बहुत देख चुकी हूँ इतने सालों में मैं, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ टिकटॉक पे नहीं हूँ, मैं हर प्लेटफॉर्म पे हूँ, ठीक है। हर प्लेटफॉर्म पे मैंने ऐसे बहुत लोग देखे, लेकिन जो लोग नए आए हैं उनको मुश्किल हो रही है, और जिसका कोई कसूर नहीं है उसके बारे में बकवास करना बंद करो, ठीक है। उसका कोई कसूर नहीं है, उसके बारे में बकवास करना बंद करो, मैं तुम लोगों का मुंह तोड़ दूंगी, सच में। औकात में रहो, मेरे बारे में करते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर वो किसी भी इशू में उसको इन्वॉल्व किया, उसके बारे में कुछ भी बोला, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं बहुत अच्छी हूँ सबके साथ, जो अच्छा है उसके साथ अच्छी, जो बुरा है उसके साथ मैं बहुत बुरी हूँ, ठीक है। बहुत बहुत बुरी हूँ, तुम लोगों ने मेरा असली रूप देखा नहीं है, ठीक है। मैं करना चाहूँ मैं बुरा कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती क्योंकि मुझे अपने लिमिट्स पता है। लेकिन आप लोग अगर लिमिट क्रॉस करोगे, मुझे भी पता है, मैं भी लिमिट क्रॉस कर सकती हूँ, ओके। फिर मत बोलना इसने हमारे साथ ये कर दिया, इसने हमारे साथ ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। अभी मैं सबको रोक रही हूँ, तो सुकून से रुक जाइए, ठीक है। अगर ये बदतमीजी, ये घटिया हरकतें बंद नहीं हुई, तो फिर हम लोग भी करेंगे। अपनी ये बकवास बंद करो, मेरे बारे में करते रहो, भौंकते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसके बारे में बकवास बंद करो, ठीक है। या ओके गाइस, हो गया। अगर देखो वो बंदा ऑलरेडी डिप्रेशन में है, मैं इस फेज से गुजर चुकी हूँ, मुझे पता है एक इंसान के क्या दिल में आता है, दिमाग में क्या चल रहा होता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। वो बंदा अगर आप लोगों की वजह से मजीद डिप्रेशन में गया, मजीद उसको कुछ भी हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, और फिर मैं आप लोगों से पूछ लूंगी, ठीक है। एक इंसान को मैं सुकून से जीने नहीं दूंगी, फिर सरेआम करेंगे, सरेआम करेंगे, और हम सब लोग मिलकर करेंगे। आप लोगों को लगता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, तो भाई बहुत कुछ हो सकता है। आज की ये लास्ट वार्निंग है, ये तमाशा बंद करो। हम कहते हैं सुलह सफाई से, सुकून से सब कुछ हो जाए, आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो, लेकिन आप लोगों की ये जो बकवास है, ये भौंक है, ये बंद नहीं हो रही है, ठीक है। अभी मैं रोक रही हूँ सबको, कोई कुछ नहीं कर रहा। अगर ये बदतमीजी, ये घटिया हरकतें बंद नहीं हुई, किसी के बारे में गलत बोलना बंद नहीं हुआ यहाँ पे, तो भाई हम लोग खुलेआम करेंगे, ठीक है। मैं मेरे अकाउंट से भी होगा, हर अकाउंट से होगा, मेरा कोई एक अकाउंट नहीं है, मेरा 50 अकाउंट है, ठीक है। और हर जगह से पोस्ट होगा, ठीक है, और सरेआम होगा। फिर कोई कुछ भी कर सकता है तो कर ले, ये लास्ट वार्निंग है, प्यार से आखिरी दफा समझा रही हूँ। अगर इसके बाद ये तमाशा बंद नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा, सच में बहुत बुरा होगा। ये जो भी तुम लोगों को तकलीफ है, जो भी तुम लोगों को कीड़े हैं, जो भी तुम लोगों की आग है जो नहीं खत्म हो रही है, वो मुझे खत्म करनी आती है, ठीक है। मेरे पास तुम लोगों के कीड़े मार सब कुछ मेरे पास है, ठीक है, वो मैं सही से सुकून से खत्म कर सकती हूँ, ठीक है। अगर हम लोग करने पे आ गए, हम फ्रंट से करेंगे, हम लोग तुम्हारी तरह ऐसे छुप छुप के ऐसे बकवास नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग करेंगे अपने रियल आईडी से करेंगे, ठीक है। बात करनी है मुंह पे करो, ऐसे पीठ पीठ पीछे कुत्ते भौंकते हैं, बात करनी है मुंह पे आके करो,
जैसे कुत्तों की तरह पीठ पीछे भोंकने से और ऐसे काटने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई कुत्ता काट लेता है तो उसको जवाब में काटा नहीं जाता, लेकिन उसको जहर दे के मार दिया जाता है। वो हम वही करेंगे, ठीक है। और फिलहाल हम आपको कुछ नहीं कह रहे, ओके। उसको मजीद टॉर्चर बंद करो, उसके लिए भोंकने जाके कोई और टारगेट ढूंढो। तो दुनिया में बहुत लोग हैं यार, इतने बिलियंस लोग हैं, तुम उनके पीछे भागो यार, और बहुत लोग हैं, ठीक है। हम ही क्यों मिल रहे हैं तुम लोगों को? और टारगेट ढूंढो यार, अपना कोई और ढूंढो यार, हमें अपनी जिंदगी में जीने दो, क्या पीछे पड़ जाते हैं। ओके यार चल, मेरा बहुत गला खराब है, मेरी आवाज़ इसलिए चेंज है, आप लोग बोल रहे हो तुम्हारी आवाज़ चेंज है, हाँ मेरी आवाज़ चेंज है, मेरा गला बहुत खराब है, मुझे बुखार है, लेकिन मैं आई हूँ एक बात समझाने के लिए, दैट इस चीज़ को, घटिया चीज़ को बंद करो, ठीक है। जिस बारे में नहीं पता, जिस बात का पूरा नहीं पता, उस बारे में बोलना बंद करो, ठीक है। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि एक इंसान की जगह पे रह के कैसा फील होता है, और आप उसके बारे में बात कर रहे हो। जिस बारे में नहीं पता उस बारे में बकवास बंद करो, ठीक है। पहले पूरी जानकारी लो, पहले उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लो, पहले देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके बारे में बकवास करो, ठीक है। फिर अपना ओपिनियन दो, वैसे आपका ओपिनियन किसी ने नहीं मांगा है। जब आपसे कोई आपका ओपिनियन मांगे कि प्लीज 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 आप हमें बताइए कि हम कैसे हैं, तब अपनी बकवास जारी करो, ठीक है। अभी किसी ने आपका ओपिनियन नहीं मांगा, और आपका ओपिनियन वैसे हमारे जूते पे मैटर भी नहीं करता। आपसे किसी ने कुछ नहीं पूछा है कि भाई आपकी क्या राय है, कोई राय नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है। आपसे कोई नहीं पूछ रहा, प्लीज आप इस पे अपना ओपिनियन दीजिए। यू आर नॉट अ सेलिब्रिटी, प्लीज, यू गाइज आर नॉट अ सेलिब्रिटी कि आप लोगों का ओपिनियन बहुत मैटर करता है। यू गाइज आर नॉट इन पॉलिटिक्स। ये जो टिकटॉक पे पॉलिटिक्स चल रही है, इसको बंद कर दो, सुकून से रहो, खुद भी दूसरों को भी सुकून से रहने दो। अगर वो बंदा किसी भी मेंटल टॉर्चर का शिकार हुआ तो बहुत बुरा होगा, ठीक है। आखिरी दफा बोल रही हूँ, मैं बहुत देख चुकी हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इस मेंटल टॉर्चर से बहुत पहले गुजर चुकी हूँ, और मैं अभी तक उनके बारे में बात भी नहीं करती, ठीक है। मुझे पता है कि कैसे अपने आप को लेके चलना सोशल मीडिया पे, मुझे पता है कैसे कैसे लोग होते हैं सोशल मीडिया पे, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है इनको कैसे हैंडल करना है। पहले भी मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस टॉपिक को यहीं बंद करो। लास्ट टाइम बोला यार, मैं थक गई हूँ नेगेटिविटी देख देख के। बंदा टिकटॉक पे इसलिए आता है कि तुम लोग अपनी अदालत लगा के बैठ जाते हो, जज बन जाते हो खुद से। यहाँ के कोई प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, कोई अपना ही कुछ खोल के बैठा है, कोई कुछ खोल के बैठा है। टिकटॉक पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं भाई, तुम लोग वीडियोज बनाओ, फनी बनाओ, एंटरटेनमेंट की बनाओ, एक्टिंग की बनाओ, जो मर्जी करो, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन अपनी पॉलिटिक्स बंद करो यार। यार टिकटॉक पे पॉलिटिक्स नहीं चलती, टिकटॉक पे अदालत नहीं चलती है, ठीक है। मैं कभी बात नहीं करना चाहती थी इस बारे में, लेकिन यार प्लीज उसको टॉर्चर करना बंद करो। मैं बहुत नेगेटिविटी देख रही, जहां पे खोलो, जहां पे एक वीडियो ओपन करो, फिर कोई बंदा बैठ के बकवास कर रहा होता है, कहता ओ हाँ हाँ हाँ, सारे कह रहे होते वाह वाह वाह, तुमने तो अपना बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है। यार फॉर गॉड्स सेक, आप लोग क्या कर रहे हो? क्यों एक दूसरे के माइंड में अपने लोगों के लिए ही नेगेटिविटी फैला रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? देखो, अपने लोगों के बारे में आप बोल रहे हो कि नहीं हमारे ये लोग गंदे हैं, हमारे ये लोग गंदे हैं, हमारे ये लोग गंदे हैं, इनको हेट करो, इनको हेट करो। यार अगर आप लोगों में यूनिटी खत्म हो जाएगी तो आप लोग कैसे रहोगे, कैसे रहोगे? आप लोगों के बारे में इतना अच्छा एक है इमेज के आप लोग इतने यूनिटी से रहते हो, कोई कुछ भी हो जाए, देखो कोई किसी का मर्डर भी करके आ जाता है, ठीक है, अगर उसकी इतनी गलती नहीं है, अगर उसने मजबूरी में कुछ किया, आप उसका साथ दो यार। आप क्यों बोल रहे हो हमारे लोग गंदे, हमारे लोग गंदे, हमारे लोग गंदे? ये टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको पूरी दुनिया देख रही है, आपको ये लगता है कि हाँ हमारे सिर्फ पड़ोसी देख रहे हैं और हम देख रहे हैं और हम मिलकर इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे, ऐसे नहीं है। पूरी दुनिया आपको देख रही है, इंडिया, पाकिस्तान, UK, USA, पूरी दुनिया से आप लोगों को देखा जा रहा है, और आप लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हो, कितनी गलत बात है, क्यों कर रहे हो ऐसा? आपको कोई नहीं पसंद, आपको मैं नहीं पसंद, आप मुझे मत देखिए, ठीक है। अभी मैं कहती हूँ आप मुझे मत देखिए, आप चले जाइए यहाँ से, ठीक है। और जो देखना चाहते हैं मोस्ट वेलकम है, ठीक है। जिनको नहीं पसंद वो यहाँ से जा सकते हैं, वो मेरा नाम भी मत लें, ठीक है। मुझे जो लोग नहीं पसंद मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती, और ना ही मैं ले रही हूँ उनका नाम, मुझे जो लोग नहीं पसंद, ठीक है। आपको मैं नहीं पसंद, आप मुझे मत देखो। मुझे जो लोग नहीं पसंद मैं उनको नहीं देखती, मैं उनको देखती भी नहीं, मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ। आप
क्यों करते हो ऐसा? आपको हाँ आपको वो नहीं भी पसंद, लेकिन आपके पास उसकी सारी पिक्चर्स भी सेव है, उसकी सारी वीडियोस भी सेव है, उसकी हर बात देखते भी हो, वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ रह रहा है, कैसा बोल रहा है, कैसा नहीं बोल रहा, क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों कर रहे हो? मतलब आप उससे इतना ऑब्सेस्ड हो, ये आप उसके हेटर नहीं हो, सबसे बड़ी बात आप उसके हेटर नहीं हो, ठीक है? आप उसके फैन हो, सबसे बड़े फैन हो जो हर चीज़ नोट करते हैं, ठीक है? अगर आप इतने ही फैन हो तो कुछ अच्छा लगाओ, ठीक है? अगर इतना ही आप टाइम लगा रहे तो कुछ अच्छा लगाओ ताकि लोग आपको